नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और हम मौजूद हैं फिर से एक बार करनाल के जिला सचिवालय के बाहर, जहां पर टेंट लगने तो पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन फिलहाल अब जो टेंट लग रहे हैं वो पक्के किस्म के लग रहे हैं। जी हाँ, पक्के टेंट यहाँ पर लगने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, लगातार जो टेंट हैं उनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज एक तरीके से किसान आंदोलन का यहाँ पर चौथा दिन है, फोर्थ डे है। और यहाँ पर अब पहले थोड़ा यहाँ तक टेंट लगे थे और अब वहाँ सड़क की मैं बात करूँ तो वहाँ पर मुझे लगता है अगर दो दिन और यहाँ पर किसान आंदोलन चलता रहा तो आगे भी टेंट की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, जिस स्ट्रक्चर के अंदर फिलहाल हम खड़े हैं वही स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है। यहाँ पर फिलहाल जमीन पर ये स्ट्रक्चर रखे गए हैं और इसको खड़ा करने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए, यानी कि किसानों ने इस आंदोलन की तैयारी लंबे समय के लिए कर ली है। जी हाँ, लंबे समय के लिए इस आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। पक्के तरह के टेंट यहाँ पर लगने शुरू हो चुके हैं ताकि कल को अगर बारिश भी आ जाए, मौसम भी खराब हो जाए तो ये इसी तरीके से टेंट यहाँ पर लगे रहे, ये टेंट यहाँ से उड़े भी ना। और ये देखिए, अलग अलग जगहों से करनाल की मैं बात क्यों करूं, हरियाणा की बात करूं, यूपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, अलग अलग जगहों से किसान लगातार इस किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं ताकि इस आंदोलन को और मजबूत किया जा सके और इस आंदोलन की मजबूती को बढ़ाया जा सके। और अलग अलग सिंगर्स की मैं बात करूं तो वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ भी, पंजाब के सेलिब्रिटीज़ की बात करूं तो वो भी इस आंदोलन में पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो पंजाबी एक्ट्रेस है, मॉडल है सोनिया मान, वो भी इस किसान आंदोलन में पहुँचेगी, उनसे भी ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कवरेज करने का हमारा मकसद था वो ये था कि किसानों ने लंबे आंदोलन की तैयारी कर ली है। ये देखिए, पक्के तरह के टेंट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? मेरा नाम गुरमुख सिंह। कहाँ से आए हैं? गांव बुढ़नपुर विरान। तो सिंगू बॉर्डर वगैरह भी गए थे, यहीं पहुँचे हैं? नहीं नहीं, सिंगू बॉर्डर सारा सियाल जाते रहे। हाँ जी हाँ जी, पिछले 9 महीनों में। हाँ हाँ, काफी बार गए उधर भी। और ये अब तो यहाँ भी सिंगू बॉर्डर बन गया, सरकार ने बना दिया। इतने भी सिंगू बॉर्डर ही लग रहे हैं? सिंगू बॉर्डर पक्का सिंगू बॉर्डर हो गया है, तो सरकार बनाता है ना, जो तो मंगा नहीं मनेगी तो सिंगू बॉर्डर बनेगा ही। सिंगू बॉर्डर ते भी यही देखा गया सी, पक्के जड़े टेंट होंदे ने ए लाए जा रहे ने, इत्थे भी पक्के टेंट लाए जा रहे ने। पक्के टेंट लाए जा रहे ने, तुहाडे कोल ही ने, देसदी पए आ। जो सरकार कहेगी पक्के टेंट लगनगे, इत्थे पक्के टेंट लांदा जे पक्के टेंट असी लांदे आ की फायदा होंदा इहदे च? मतलब बारिश आंदी है तां इहनूं कोई नुकसान नहीं होंदा? इहदा सारा ही फायदा है, बारिश च कोई नुकसान नहीं होंदा इहदा। बारिश तो बचाएगा, धुप तो बचाएगा, आंधी तूफान तो बचाएगा, पक्के दे वास्ते बनाए ने, इहदा कोई खतरा नहीं। लंबे आंदोलन की तैयारी है करनाल च? बिल्कुल लंबे आंदोलन की तैयारी है सरकार, जिन्ना लगदा लगदा है भी मंगा मानेगी सरकार। सरकार नूं मनणियां पैणगियां, दो दिन चार दिन हफ्ता कट लेगी, और किन्ने दिन सरकार नेट बंद करेगी। तो इस बात का हमेशा किसान ध्यान रखते हैं कि आम लोगों को दिक्कत ना हो। आम लोगों को तो दिक्कत ना ही आवे जी, ये चीज ता ही लोग साडे नाल सहमत होणगे, वैसे तो फिर सारी पब्लिक वर्क खिलाफ हो जाएगी। किसान कोई झगड़ा नहीं करते, शांतिपूर्ण अंदोलन करते ने, किसी नाल कोई लाठी नहीं डंडे, तो प्रशासन ने दुखी किया आ। देखो, एक गल बिल्कुल जायज़ है कि किसान हमेशा शांतिपूर्वक तरीके नाल आंदोलन अपना करते हैं। इतने भी करनाल च किसान आंदोलन चल रहा है, चौथा दिन आज है, तीजी जड़ी सवेरे हुई सी। तो और भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी कई किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और ये देखिए, पक्के टेंट लगाए जा रहे हैं। और इन टेंटों का फ़ायदा क्या है वो मैं एक बार आपको ज़रूर बता देती हूँ। इन टेंटों का फ़ायदा ये है कि अगर कल को बारिश होती है तो बारिश में ये टेंट जल्दी से भीगेंगे नहीं, धूप से ये टेंट बचाएंगे, अगर आंधी तूफान आ जाती है तो ये टेंट उखड़ेंगे नहीं, यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ये फायदा इन पक्के टेंटों का जरूर है। आपका क्या नाम है? सुखबीर सिंह। कहाँ से? सेक्टर 4 करनाल से। करनाल से ही है तो आते जाते रहते हैं दो तीन दिनों से? हाँ बिल्कुल, आ रहे हैं, सहयोग है हमारा सबका, समर्थन है पूरा, बिल्कुल पूरा है जी। क्या लगता है, किसानों की मांगे जायज है? बिल्कुल जायज है जी, तभी तो सब ये साथ लगे हुए हैं सारे, इसलिए ये एक दो दिन का नहीं सोच के चलते, ये सन 23 का सोच के तंबू लग रहे हैं कि 23 तक का हमें चलाना है ये। बिल्कुल,
ये नहीं कि कल को खटने कह दिया कल को हमने उठा के ले जाने, ये 23 तक ही यहाँ लगे रहेंगे। ये बात जरूर है कि साल 2024 यानी अगले इलेक्शंस तक की तैयारी नहीं है, ये तैयारी और भी आने वाले आगे की है कि अगर जब तक इनकी मांगे नहीं स्वीकारी जाती तब तक ये इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? मेरा नाम सतबीर चहल गोहाना, सोनीपत से मैं संबंध रखता हूँ। बोलो क्या पूछना है। क्या समर्थन देते हैं किसानों को इसलिए यहाँ पर पहुँचे? किसानों को समर्थन देने नहीं, मैं स्वयं किसान हूँ और किसान की दुख तकलीफ को समझता हूँ। मेरे साथ भी वही जाति हुई है जो भारतवर्ष के अन्य किसानों के साथ हो रही है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और मैं इस गूंगी बहरी सरकार के मुखिया केंद्र सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि या तो समय रहते आप चेत जाएं, जो आपकी पॉलिसी है फूट डालो राज करो। इस देश में दो ही जाति हैं, एक कमेरे वर्ग की एक और लुटेरे वर्ग की। हम कमेरे वर्ग से हैं और एक लुटेरा 95% लोग कमेरा वर्ग है, 5% लोग इस देश में लुटेरा वर्ग है और वह उसी के बलबूते पर इस देश को लूटने की प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आज इस देश का कमेरा वर्ग भली भांति समझ चुका है कि ये जो सरकार है इसने हमें बांटने का प्रयास कर रही है, और कभी जातिवाद, कभी धर्मवाद, कभी क्षेत्रवाद, कभी उत्तर भारत दक्षिण भारत पूर्व भारत पश्चिम भारत, अनेक प्रकार की नीतियां हैं इनके। खुद किसान है, जब यहाँ पर किसानों को रात को सोना पड़ता है आत्मा नहीं दुखती है? हम तो खेत के अंदर, यहाँ तो कुछ बिछा हुआ है हमारे लिए, हम आराम से सो सकते हैं। हम तो खेत में झाड़ों के अंदर सोने के लिए सक्षम है, हम इस बात से दुखी नहीं है। ये कर लेगा जो कुछ कर लेगा, लेकिन हम ये कार्य बखूबी करने में सक्षम है और हम मजबूती से कर सकते हैं। बिल्कुल, रात को अगर सोना पड़े इन गद्दों पर तो सोने में सक्षम है, क्योंकि एक किसान बारिश में हो, धूप में हो, गर्मी में हो आता है। और ये देखिए तमाम महिलाएं भी इस आंदोलन में पहुंची है समर्थन देने के लिए। यहाँ पर पहुंचती भी हैं, यहाँ पर बैठती भी हैं, सुनती भी हैं, समझती भी हैं, और तकलीफ तो देखिए इस वक्त किसान है ही है। ये टेंट आपने लगाया है भैया? आपने लगाया भैया टेंट? डॉक्टर स्वयमान टिकरी बॉर्डर कहाँ से आए हैं? तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो जुड़ेंगे, उनसे एक बार जानेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और इन पक्के टेंटों का क्या कुछ फायदा होता है। डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं आप? जी मैं अमेरिका से हूँ, और पिछले 10 महीने हो गए अब हम टिकरी बॉर्डर पे और सिंगू बॉर्डर पे हैं। और जब ये धरना शुरू हुआ हमको रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कत्ल हुआ है, कत्ल के इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, इस वक्त टेंट का कैसे मतलब काम कर रहे हैं? नहीं, ये देखो कल कोई बीमारी ना यहाँ पे फैल जाए, कोई मलेरिया ना हो जाए, डेंगू ना हो जाए, रात को हीट स्ट्रोक ना हो जाए। मेडिकल सुविधाएं भी दे रहे हैं? हाँ, वो मेडिकल कैंप पूरा फुल फ्लेज मेडिकल कैंप चल रहा है। तो क्या नाम है आपकी एनजीओ? फाइव रिवर्स हार्ट एसोसिएशन जो हमारी एनजीओ है, काम कर रही है। और यहाँ पे जो घरों घर बनाने शुरू कर दिए हैं कि रात को दिक्कत ना आए, मैट्रेसेस, पंखे, जरूरत पड़ी तो कूलर्स, एसी, वो सब कुछ लगाने के लिए रेडी हैं। तो ये पक्के टेंटों का क्या कुछ फ़ायदा होता है, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि क्यों यहाँ पर पक्के टेंट लगाए जाए? देखिए अगर ये जो टेंट है बारिश हो गई ये भीग जाएंगे, सारे जो पंखे लगे हैं सारे ख़राब हो जाएंगे, जो किसान हैं उनको मलेरिया और जैसी बीमारी पैदा हो सकती है, जब मच्छर आएगा उनको टाइफाइड हो सकता है, जो आपकी गंदगी बढ़ जाएगी। तो ये जो टेंट लगेंगी ये वाटरप्रूफ होंगे, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर ये हमको लगा कि एक और हफ्ते से और ऊपर जाएगा तो इनके ऊपर हम फाइबर लगाना शुरू कर देंगे, वो टेंट जो 3-4 साल चल सकते हैं। तो अगर ये धरना 3-4 साल चला तो वो फाइबर के वो घर होंगे। आप अपनी तैयारी में है कि 3-4 साल अगर चलता है तो हम खड़े रहेंगे इस आंदोलन के साथ? जी हमको देखो हमको पैसा तो हम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बात वो ही है कि जो भी हम काम करें वो यही समझ के करते हैं कि यार ये लोग जो इंसाफ लेने आए हैं ये बोल रहे हैं कि हम इंसाफ के लेने के बगैर नहीं जाएंगे वापस, तो जब तक ये रहेंगे हमको यहाँ पे रहना पड़ेगा। हमारे अराउंड 5000 मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिलहाल तो ये पक्का स्ट्रक्चर टेंटों के लिए लगाया गया है, और अगर जरूरत पड़ी, अगर ये आंदोलन इसी तरीके से और भी लंबा चलता है तो फाइबर तक ऊपर लगा दिए जाएंगे। जी हाँ, फाइबर लगा दिए जाएंगे,
ताकि किसानों को भी किसी तरीके की असुविधा ना हो, किसानों का भी ख्याल रखा जाए, बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए, बच्चों का ख्याल रखा जाए। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।